न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को शनिवार की देर रात धनबाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड चांदनी चौक स्थित अपार्टमेंट से हुई है। बता दें कि अरूप चटर्जी के खिलाफ धनबाद में एक कारोबारी से पैसा उगाही के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। एसएसपी संजीव कुमार ने डीएसपी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। पुलिस की टीम शनिवार की देर रात अरूप चटर्जी की चांदनी चौक स्थित अपार्टमेंट पहुंची। धनबाद पुलिस की टीम ने गोंदा थाना पुलिस की मदद से अपार्टमेंट में छापेमारी कर अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। बीते 27 जून को धनबाद के गोविंदपुर थाने में अरूप चटर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने केस दर्ज कराते हुए कहा कि अरूप चटर्जी ने अपने आदमी के माध्यम से ब्लैकमेल कर 11 लाख रुपए की मांग की थी। पैसा लेने के बाद भी झूठी खबर चलाई और फिर अधिक पैसे की मांग की गई। चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना घटी और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। सर तो ऐसे बताया जाए, सर धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है और एसपी एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी है उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। तो सर क्या सच्चाई दिखाने के चलते हमारे साथ ये घटना घटी है? हम कोई अपराधी नहीं है। यहाँ बताते चलें कि न्यूज 11 भारत के संचालक अरूप चटर्जी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, चेक बाउंसिंग, षड्यंत्र रचने संबंधित कुल 22 मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। इनमें 4 मामले में महीनों पहले से गिरफ्तारी वारंट जारी है। अरूप चटर्जी को मुहैया बॉडीगार्ड को भी कुछ दिन पहले रांची पुलिस ने वापस बुला लिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सुनील पोदार। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।